हुसैनीवाला बॉर्डर पर अटारी वाघा बॉर्डर की तर्ज पर रिट्रीट सेरेमनी का भी आयोजन किया जाता है। जम्मू कश्मीर में संविधान का अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी होने के बाद भी यहां पर रिट्रीट सेरेमनी का सिलसिला बंद नहीं हुआ है। खास बात यह है कि यहां पर भारतीय जवान जीरो लाइन पार करके तिरंगा फहराते और उतारते हैं। पाकिस्तानी जवान भी ऐसा ही करते हैं। ऐसा यहां पारंपरिक रूप से किया जाता रहा है। जवान करीब 5 मिनट तक एक दूसरे की सीमा के अंदर रहते हैं। ये है ज्वाइंट चेक पोस्ट स्थल जहां पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी आयोजित की जाती है। साल 1959 से दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच शुरू हुए संयुक्त कार्यक्रम ने एक परंपरा का रूप ले लिया है। रिट्रीट सेरेमनी के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच हुसैनीवाला सीमा पर हर साल जोश हाई रहता है। रोजाना 35 मिनट तक चलने वाली रिट्रीट सेरेमनी देश के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खास हो जाती है, जो 60 मिनट से लेकर 120 मिनट तक चलती है। यहाँ रोजाना शाम को दोनों देशों के राष्ट्रीय झंडे समारोह के साथ उतारे जाते हैं। इस कार्यक्रम में भारत से बीएसएफ के जवान और पाकिस्तान की तरफ से पाक रेंजर्स शामिल होते हैं। साथ ही दोनों देशों के हजारों लोग यहाँ पहुँचते हैं और अपने जवानों का जोश बढ़ाने के लिए देशभक्ति के नारे लगाते हैं। बीटिंग द रिट्रीट एक पुरानी सैन्य परंपरा है, जहां सैनिक प्रतिदिन शाम में एक तय समय पर रिट्रीट की आवाज सुनकर युद्ध रोककर अपने सारे हथियारों को लेकर युद्ध के मैदान से हट जाते थे। इतना ही नहीं, रिट्रीट की आवाज के बाद झंडों को भी उतार लिया जाता था। ठीक उसी तरह आज भी बीटिंग द रिट्रीट को शाम को आयोजित किया जाता है। बस फर्क इतना है कि अब इसे एक उत्सव की तरह मनाया जाता है।